चल कर सुन। विष्णु नारायण भातखंडे प्रारंभिक जीवन। श्री विष्णु नारायण भातखंडे का जन्म 10 अगस्त सन 1860 को मुंबई प्रांत के बालकेश्वर नामक स्थान में कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हुआ था। उन्हें अपने पिता से, जिन्हें संगीत से अतः प्रेम था, संगीत सीखने की प्रेरणा मिली। अतः वह स्कूली शिक्षा के साथ साथ संगीत शिक्षा भी ग्रहण करते रहे। उन्होंने सितार, गायन और बांसुरी की शिक्षा प्राप्त की और तीनों का अच्छा अभ्यास किया। सेठ बल्लभ दास से सितार और गुरुराव बुआ बाल बाटकर जयपुर के मोहम्मद अली खां, ग्वालियर के पंडित एकनाथ, रामपुर के कस्बे अली खां आदि व्यक्तियों से गायन सीखा। सन 1883 में बीए और 1890 में एलएलबी की परीक्षाएं उत्तीर्ण की। कुछ समय तक वह वकालत भी करते रहे, किंतु संगीत के महान प्रेमी का मन वकालत करने में नहीं लगा। वकालत छोड़कर संगीत की सेवा में लग गए। कार्य: संगीत के शास्त्रीय पक्ष की ओर संगीतज्ञों का ध्यान आकर्षित करने का श्रेय पंडित जी को है। उनके समय के संगीतज्ञ संगीत शास्त्र पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे, अतः गायन वादन में बड़ी विषमताएं आ गई थी। अतः उन्होंने देश के विभिन्न भागों का भ्रमण किया और संगीत के प्राचीन ग्रंथों की खोज की। यात्रा में जहाँ भी उन्हें संगीत का कोई विद्वान मिला, उससे सहर्ष मिलने गए, उससे भावों का विनियम किया और जो कुछ भी ज्ञान धन देकर, सेवा कर अथवा शिष्य बनकर भी प्राप्त हो सका, उन्होंने निसंकोच प्राप्त किया। कहीं कहीं तो उन्हें बहुत दिक्कतें उठानी पड़ी। विभिन्न रागों के बहुत से गीत एकत्रित किए और उनकी स्वरलिपि हिंदुस्तानी संगीत पद्धति क्रमिक पुस्तक मलिका 6 भागों में संग्रह कर संगीत प्रेमियों के लिए अथाह भंडार रख दिया। उस समय किसी व्यक्ति को केवल एक गीत सीखने के लिए सालों तक अपने गुरु की सेवा करनी पड़ती थी। अतः ऐसे समय में क्रमिक पुस्तकों से संगीत के विद्यार्थियों और शिक्षकों का बहुत लाभ पहुंचा। क्रियात्मक संगीत के लाभ को लिपिबद्ध करने के लिए भातखंडे जी ने एक सरल और नवीन स्वरलिपि की रचना की, जो भातखंडे स्वरलिपि पद्धति के नाम से प्रसिद्ध है। यह अन्य की तुलना में सरल और सुबोध है। इसके अतिरिक्त राग वर्गीकरण का एक नवीन प्रकार ठाट राग वर्गीकरण को प्रचारित करने का श्रेय भातखंडे जी को है। उन्होंने वैज्ञानिक ढंग से समस्त रागों को 10 ठाटों में विभाजित किया। उनके समय में राग रागनी पद्धति प्रचलित थी। उन्होंने उसकी कमियों को समझा और उसके स्थान पर ठाट का प्रचार किया तथा काफी के स्थान पर बिलावल को शुद्ध ठाट माना। जिस समय भारत में रेडियो